केवल 4 मिनट में गोरी निखरी त्वचा। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए है ये, पैक पिगमेंटेशन के लिए, झाइयों के लिए, ये काले धब्बे के लिए। स्किन को वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डार्क स्पॉट है, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, MD इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ पिगमेंटेशन पैक, और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसका रिजल्ट दिखाया था, काफ़ी लोगों ने पूछा। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, और बेसिक इस पैक के अंदर ये है कि ये पैक मैंने पाउडर फॉर्म में इसलिए बताया कि आप ज़्यादा बनाकर स्टॉक कर पाएँ और आपको बहुत आसान हो। ये तरीका मैं इसमें बताऊँगी कि बहुत ईजिली आप इसको किस तरह से कभी भी फॉलो कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। जो लड़कियां हॉस्टल में रहती है, काफी कमेंट आता है मेरे पास कि हॉस्टल में रहने पे प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी चीजें मैं नहीं जोड़ सकती इकट्ठे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, चाहे आप लड़के हो, लड़की हो, 12 साल के हो या फिर 80 साल के हो, सब लगा सकते हैं। बहुत नेचुरल चीज है और रिजल्ट बहुत अच्छी आती है। बस ये है कि 50+ लगाएंगे तो रिजल्ट थोड़ा स्लो रहेगा, अगर 20 ईयर्स की लड़की या लड़का लगाएगा तो रिजल्ट फास्ट रहेगा। लेकिन इससे रंग बहुत साफ होता है, आपके स्किन में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, एक्ने है, तो वो चीजें मिटती है। जो इससे ठीक नहीं हो सकता है वो सिर्फ है पिंपल या पिंपल के गड्ढे, वो ठीक नहीं हो सकते। तो पिंपल के लिए और भी वीडियो मैंने बनाई है, और आप कहेंगे तो कुछ ऑयल्स भी मैं बता दूंगी आने वाले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट, बहुत ईजी इंग्रेडिएंट मैंने इस बार रखा है, ये है मुल्तानी मिट्टी। इस बार मैंने मुल्तानी मिट्टी इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में बोल रहे थे कि मुझे मुल्तानी मिट्टी की भी पैक बताइए। तो बेसिकली मुल्तानी मिट्टी का काम होता है स्किन को फेयर करना और कंडीशन करना। लेकिन जिन लोगों ने काओलिन, मेरे कहने पे काओलिन क्ले खरीदा है, वो काओलिन क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। काओलिन क्ले मुल्तानी मिट्टी से किसी भी हाल में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है वाइटनिंग के फॉर्म में, और अगर आप पिगमेंटेशन है तब। लेकिन मुल्तानी मिट्टी ये है कि आपको बहुत इजीली अवेलेबल होती है, थोड़ी सी सस्ती होती है, और स्किन को बहुत अच्छा नरिशमेंट और कंडीशनिंग करती है। अगर आप काओलिन क्ले लगाना चाहते हैं, आपके पास है, तो वो ज़्यादा बेटर है। दोनों ही का अपना अपना गुण है, और ये भी मैं बताना चाहूँगी, अगर दोनों का गुण लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून आप काओलिन क्ले ले सकते हैं और 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं। तो दोनों को मिक्स करके जब आप लगाएंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एक सिल्कीनेस भी होगी फेस के अंदर, और दूसरा फेयरनेस बहुत हाई रहेगी। तो अपने आप में दोनों मिट्टी अपना अपना काम करेगा और बहुत अच्छे से करेगा। तो ये अगर आपको, आपके पास काओलिन क्ले है नहीं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिए, और पिन कमेंट में भी जो मेरी फर्स्ट कमेंट होती है आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सिर्फ मुल्तानी मिट्टी यूज़ किया है 2 टेबलस्पून, लेकिन काओलिन क्ले अगर आपके पास है या आप लेना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट ये है जो मैं बाउल में मिला रही हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मुलैठी पाउडर, ये लिकोराइस पाउडर है, बहुत इजीली हर जगह मिल जाता है, टेस्ट में हल्का सा मीठा होता है, इसको खाते भी हैं और ब्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट में काम आता है। ये जितना फेस के इन्फेक्शन होती है उसको हटाएगा, स्किन इन्फेक्शन को हटाएगा, स्किन को एक अलग सा नरिशमेंट देता है, और बाहर एंटीबैक्टीरियल होता है। एक्चुअली ये बेसिकली एंटीबैक्टीरियल होता है, तो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसको एक्ने पिंपल वाले भी लगा सकते हैं बहुत ईजिली, बट मैं कुछ बताना चाहूँगी, इसको अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके फेशियल हेयर ग्रोथ भी ख़राब होती है। लेकिन अगर सेम यही पाउडर आप अगर हेयर पैक में यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपके सर के बाल कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो स्किन का हेयर होता है उसकी क्वालिटी अलग होती है, जो आपके स्कैल्प पर सर के ऊपर हेयर होता है उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो जब हम हेयर के लिए सीरम बनाते हैं तो उसमें मुल्तानी, ये मुलाठी का जड़ अगर बॉईल करके डाल रहे हैं तो एंटीबैक्टीरियल, इट मींस डेंड्रफ के इन्फेक्शन को हटाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हेयर ग्रोथ को ख़राब कर देगा। माइल्ड होना चाहिए, बहुत हार्श नहीं होनी चाहिए, बट उसी जगह ये जब आप फेस पे लगाते हैं तो फेस के जो बारीक रोए होते हैं, जो आप जब ब्लीच करते हैं तो धूप में जो दिखाई देती है, उसकी ग्रोथ को धीरे धीरे मुलाठी ख़राब करने लगता है। तो मुलाठी फेस पैक में अगर आप रेगुलर यूज़ में रखेंगे तो आपका फेस धीरे धीरे चिकना होता जाएगा। सारे हेयर्स नहीं हट सकते हैं, बट 20-25% हेयर ग्रोथ खराब हो जाती है। 100% पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट 100% फेशियल हेयर को हटा सके। अभी तक कोई भी रिसर्च या सक्सेसफुल नहीं है इसके लिए, और ना ही ऐसा कोई इन्वेंशन हुआ है।
तो यहाँ पर मैं इसको इसमें मिला दूंगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये है चंदन पाउडर। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लिया है, लिकोराइज मैंने 1 टीस्पून लिया था, ये हाफ टी स्पून है। और ये बहुत बढ़िया वाला चंदन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, मैं इससे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, मैं हर बार यही रिकमेंड करती हूँ लोगों को। तो अगर ये मिलता है आपको तो ये आप हाफ टी स्पून डालिएगा, इतने क्वांटिटी में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी कोई चंदन पाउडर डालना है जो आपको बहुत 100 ग्राम का पैकेट 50 रुपये या 100 रुपये में मिलता है, वो तो 2 टेबल स्पून डालना होगा, लेकिन तब भी उसका रिजल्ट थोड़ा माइल्ड रहता है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मिक्स होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना बढ़िया क्वालिटी का रहेगा रिजल्ट उतनी बढ़िया देगा ये। और चंदन को अपने आप में एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर चंदन अच्छी क्वालिटी का तो उसमें हिडन ऑयल भी होता है जो गहरे से गहरे दाग को मिटाता है। आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स में भी चंदन के ऑयल का यूज होता है क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत बेहतर चीज होती है। तो ये भी मैं इसमें मिला दूंगी चंदन पाउडर। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जिससे मैं आजकल बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहती हूँ और सबको बताती हूँ करने के लिए, बहुत सस्ती चीज़ है ये, बहुत थोड़ा सा लिया मैंने। ये 1/4 टीस्पून ऑफ यीस्ट है, बेकिंग यीस्ट है जिससे ब्रेड बनती है, वो वाली यीस्ट है। आप अगर लोकल ग्रोसरी शॉप में जाएंगे तो वहाँ आपको 10 रुपये का पैकेट मिल जाएगा, 10 ग्राम का या 20 रुपये का मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिलेगी, ताकि आप वहां से ले लें, नहीं तो आप अपने ग्रोसरी स्टोर से ले सकते हैं। यस्ट किसी भी तरह के गहरे दाग को, जो ऊपरी है, जो आपको पैदाइशी नहीं है, जैसे तिल या लहसुन, उसके अलावा जो भी आपको बाद में मिली है या किसी वजह से हो गई है, वो दाग को हटाने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसका कोई साइड रिएक्शन नहीं है क्योंकि ये अपने आप में फर्मेंट होता है, लेकिन हार्श नहीं है, मतलब खारा नहीं है इतना कि आपके स्किन को काट दे या मेम्ब्रेन से फाइट करे बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम क्रिएट करे आपके स्किन के लिए। तो ये यीस्ट ले रहे हैं, फिर से मैं बताना चाहूँगी, ये यीस्ट वही है जो बेकरी के काम आता है, जो केक में डाली जाती है वो है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये मैं इतना बना रही हूँ तो अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, ट्वाइस या थ्राइस अ वीक अगर इसको यूज़ करते हैं, तो ये आपका 1 मंथ आराम से चल जाता है। और 1 महीने का डोज बनाया, कोई खास महंगा नहीं पड़ रहा है ये, तो ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, रेगुलर यूज़ करना है। अब मैं इसको बनाने का तरीका बताती हूँ कि कितना क्वान्टिटी आपको लेना है। एग्जैक्टली ये 1/4 टीस्पून है, तो मैं हाफ टी स्पून के करीब ले रही हूँ, ये चम्मच बहुत छोटी है, तो हाफ टी स्पून इतना होगा, इतना हम लेंगे। और इसको नॉर्मल वाटर में नहीं यूज़ करना है, अगर आपको फ्रूट जूस या फिर वेजिटेबल जूस जो मैंने पहले बताई थी अगर उसमें डालोगे आप तो इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। लेकिन आप अगर उस वो नहीं डाल पा रहे, आप हॉस्टल में हैं या वर्किंग है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जग जार या गीजर से लुक वार्म वाटर, जो कोसा पानी होता है हल्का गर्म, वो ज़रूर इसमें मिलाएं। ठंडा टैप वाटर मिलाएंगे तो यीस्ट को आप ट्रिगर नहीं कर सकते, ये यीस्ट का अपना साइंटिफिक गुण है कि वो जब आप उसमें हल्का गर्म पानी डालते हैं तभी वो ट्रिगर होता है, तभी वो फर्मेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी इसके अंदर मिलाया है और इसको कम से कम 5 से 10 मिनट छोड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 1/2 आवर के करीब छोड़ो आप इसको, तो ज़्यादा बेटर होगा। ये जब फर्मेंट होता है तो इसका रियल जो मेडिकेटेड गुण है वो निकल करके आता है और ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये पानी बिल्कुल गर्म भी नहीं है, अगर बहुत गर्म भी डाल देंगे तो यस डेड हो जाएगा, किल हो जाता है, तो वो फर्मेंट नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसको मिला करके आपको मिनिमम आप अगर 5 से 10 मिनट छोड़े तो रिजल्ट अच्छा है, 1/2 आवर छोड़े तो बहुत अच्छा है। 1/2 आवर के बाद ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, देखो इस तरह की हो जाएगी। और इससे गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है, पूरे फेस पे एकदम पतली लेयर लगानी है ब्रश की हेल्प से, और नेक पे आप लगाओ, बिल्कुल पूरा फेस और नेक कवर करना चाहिए। मैं लास्ट टाइम मैंने सिर्फ फेस पे लगाया तो मैंने उसका रिजल्ट भी दिखाया था, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज नज़र आती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो पूरा जगह लगाना चाहिए, लगा करके आप करीबन 10 से 15 मिनट्स इसको छोड़िए। AC में बैठेंगे तो जल्दी सूख जाएगा, इसलिए अवॉइड करो ताकि इसका पूरा रिजल्ट आपको मिल पाए। सूख जाए तो नॉर्मल टैप वाटर से आप धो लीजिए और बस क्लियर करना है, और हल्का सा कोई मॉइस्चराइजर आप उसके बाद लगा सकते हैं। रिजल्ट हैंड टू हैंड है, जैसे ही लगाएंगे
तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जिनको पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, फेयरनेस के लिए कर रहे हैं, उनको 4 मिनट के अंदर भी रिजल्ट मिल जाएगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो के टाइटल में लिखा है, सिर्फ 4 मिनट लगाएंगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो बिल्कुल यूज कीजिए इस फॉर्मूले को और मुझे मेरे नए अपलोड पे इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा और इसका रिजल्ट कैसा है। और इस वीडियो में छिपा साइंस और इस ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, मेरा ये रिसर्च आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, थम्स अप जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए, मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। और डिटेल में ये रिटर्न रेसिपी आपको अगर चाहिए और जूस का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या तो फिर आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहां पर सब कुछ मेंशन मिलेगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे फर्स्ट कमेंट में, पिन कमेंट में आपको मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।